भैया नमस्ते। नमस्ते सर, मैं रामकृष्ण नरवरिया धानुका से। आज हम आए हुए हैं जिला ग्वालियर के एक तहसील भितरवार में, तहसील में एक गांव पड़ता है मस्तूरा। यहां पर आए मिलते हैं हनीम खान से, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और धानुका से जुड़े हुए कई सालों से। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे उनका परिचय लेते हैं। हाँ साहब जी। सर, आपका नाम? हनीम खान। और ग्राम? मस्तूरा। तहसील? भितरवार। जिला? ग्वालियर। अच्छा, तो ये पीछे जो धान लगी हुई है, आपकी धान रही है? जी। तो ये कौन सी वैरायटी धान की? 1718 है। इसमें अभी कोई समस्या आई थी आपके यहाँ? हाँ, समस्या आई थी, इल्ली की समस्या आई थी, इल्ली तो जा रही थी। मतलब कम इल्ली थी कि जोर से इल्ली थी? नहीं, इल्ली थी, काफ़ी इल्ली थी। काफ़ी इल्ली थी। तो उसके लिए क्या किया आपने? हमने धानुका की मोर्टार उपयोग करी, दवाई डाली। कितने दिन हो गए डले हुए उसमें? इसमें करीबन 12 दिन हुए। अब क्या पोजीशन है? अब अच्छी है। अब मल्ला बना, जो डंडी की इल्ली और पत्ते की इल्ली, जड़ की इल्ली, सारी इल्ली मर गई? मर गई, मर गई। हाल तो पूरी अभी तुम बिल्कुल साफ हो गई। तो जो क्षेत्र में जो लोग धान लगाए हुए हैं जी, जो तना छेदक इल्ली और पत्ता लपेट इल्ली दो आती हैं बासमती में जी, तो उससे जो लोग परेशान होते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी जी, संदेश देना चाहेंगे, मोटा धानुका की बहुत अच्छी दवाई है। हाँ, इसका अपन उपयोग करें किसान भाई, तो उससे बहुत लाभ है। लाभ हो रही इल्ली। कितने दिन में इल्ली मर गई थी आपकी मोटार से? करीबन 6-7 दिन में, मतलब पूरी साफ हो गई। साफ हो गई थी 5-6 दिन। डंडी के अंदर इल्ली वो मर गई? मर गई। पत्ते के ऊपर की मर गई? मर गई। अभी इल्ली मतलब देखने को खेत में नहीं मिल रही है। इल्ली नहीं मिल रही देखने को? और इसके अलावा मोटार साहब को क्या फायदा हुआ इल्ली मरने के अलावा? खेत में कुछ हरापन बला ही बना, कालापन है, हरापन है। लंबाई में कुछ अंतर आया? लंबाई बढ़ गई। चलो, जैसा कि खानदान ने बताया कि इन्होंने मोटा डाली 10-12 दिन हो गए और इल्ली इनकी इल्ली 3-4 दिन बाद पूरी खत्म हो गई थी, मय डंडी के और पत्ते के और जड़ के। तो इनका कहना ये है किसान, क्षेत्र किसानों से, भितरवार या डबरा के या उर्पा जो भी धान लगाते हैं बासमती के जो किसान हैं, उनके लिए संदेश है कि वो धानुका मोटार का उपयोग करें और तना छेदक इल्ली और पत्ता लपेट इल्ली दोनों से मुक्ति पाएँ। मोटार की एक विशेषता और है, वो बताएँ खान साहब। इसमें जब आप डाल रहे थे उस समय इसमें वो थी तितली जी, वो मर गई? हाँ, तितली मर गई, मच्छर भी मर गया जो तुम बोलता वो। मतलब इनका कहना ये है कि जहाँ से इल्ली पैदा होती है वो तितली होती है, तितली, अंडे और इल्ली तीनों को मारता है मोटार। ऐसी विशेषता और किसी दवा में नहीं है, इसलिए आप लोग धानुका मोटार का उपयोग करें। थैंक यू खान साहब।